नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया पोटैटो हिंदी। आज हम आ चुके हैं एहसान कोल्ड स्टोरेज। यहाँ पर इस कोल्ड स्टोरेज के ओनर हमारे साथ हैं। इनसे आलू के बारे में बात करेंगे और पूछेंगे क्या रेट आलू की बिक्री चल रही है और पहले से आलू महंगा हुआ है सस्ता हुआ है, और आलू की समस्त जानकारी इन्हीं से ले रहे हैं अभी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आप अपना नाम और अभी जिस लोकेशन पर हम कोल्ड स्टोरेज हैं उसकी जगह, कोल्ड स्टोर का नाम और जगह एक बार बता दें। संजीव तिवारी, एहसान कोल्ड स्टोर, जीटी रोड, छाछा, भोगांव, जनपद मैनपुरी। और आपके कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने की कितनी कैपेसिटी है? आलू रखने की 250,000 कैपेसिटी है। 250,000 रुपये जी। अभी तक आपके कोल्ड स्टोरेज में कितने आलू की निकासी हो चुकी होगी आज के रेट तक की? लगभग 30,000 पैकेट। 30,000 पैकेट कितने परसेंट? लगभग 20%। 20% निकासी हो चुकी है कोल्ड स्टोरेज में जी। ये अगर निकासी देखी जाए तो पिछली साल की अपेक्षा इस साल वो ज़्यादा हुई है कम हुई है? ज़्यादा हुई है, पिछले साल के अपेक्षा इस साल ज़्यादा है। और आपके कोल्ड स्टोरेज में एहसान कोल्ड स्टोरेज छाछा, ये डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में लगता है, ये हमने रिपोर्टिंग भी की थी पिछली बार, सबसे पहले आपका कोल्ड स्टोरेज फुल हो जाता है। हाँ, पूरे जन मैनपुरी में और जो हमारे फरुखाबाद है और कन्नौज में सबसे पहले फुल हो जाता है। हाँ, इसका क्या कारण है? अब इसका किसान हमसे संतुष्ट है, किसानों को सुविधाएँ दे रहे हैं, उनका आलू समय से वापस कर रहे हैं, बिक्री अच्छी होती है। अभी जो आलू के रेट चल रहे हैं तो कौन कौन सी वैरायटी का क्या क्या रेट आलू चल रहा है? हॉलैंड आलू बिक रहा है 1425 रुपये बिका आज। 1425 रुपये पैकेट। हाईब्रिड आलू जो है 1200 रुपये तक बिका है। हाईब्रिड आलू ख्याति और पुखराज। ख्याति और पुखराज 1200 रुपये पैकेट। 1200 रुपये तक आज बिका है। और जो 1200 रुपये पैकेट तक की बिक्री हुई है ख्याति आलू और पुखराज हाईब्रिड आलू की, और न्यू हॉलैंड आलू 1425 रुपये पैकेट। 1425 रुपये पैकेट। जिसमें कोल्ड स्टोरेज का रेंट होता है वो किसान को देना पड़ता है या व्यापारी को देना पड़ता है? नहीं, किसान को। किसान कोल्ड भाड़ा किसान को देना होता है, इसी बिक्री में से रहता है। उसी में व्यापारी को बाहर निकला हुआ आलू मिलता है। व्यापारी को बाहर निकला हुआ आलू मिलेगा। आज जो आलू की रेट बिक्री हुई है, ये पिछले दिनों से आलू महंगा हुआ है सस्ता हुआ है? पिछले दिनों से आज सस्ता हुआ है आलू। सस्ता हुआ है सर, 50 रुपये पैकेट। 50 रुपये पैकेट जी। क्या कारण है जो सस्ता आलू हुआ है? अब मौसम खुल रहा है, किसान भी फुर्सत में हो गया, आलू बेचने आ रहा है, अधिक आलू बिका है आज। आज हमारे कोल्ड स्टोरेज में कितने कट्टे बिक्री हुई लगभग? 4000 पैकेट की। 4000 पैकेट जी। तो निकासी अभी धूमधाम से किसान कर रहे हैं खूब अच्छी तरह से बिक्री के लिए निकल रहे हैं जी। और आगे क्या उम्मीद है जैसे किसानों को आलू क्या क्या रह सकता है? महंगा हो सकता है, सस्ता हो सकता है? नहीं, यही भाव रहेगा जो चल रहा है, वही भाव रहेगा, 10-20 रुपया ऊपर नीचे रहेगा, ज़्यादा सस्ता नहीं होगा। और एक जानकारी मिल रही है, लोग बता रहे हैं जैसे आलू पश्चिम बंगाल जो हमारे वीडियो बनाते हैं, हमारे अन्य रिपोर्टर हैं, वो कहते हैं पश्चिम बंगाल की सरकार भी आलू ज़्यादा से ज़्यादा निकासी के लिए दबाव बना रही है, ऐसा हमारे यहाँ कुछ है? हाँ, यहाँ भी है, सरकार दबाव बना रही है कि आलू निकासी हो ज़्यादा किसान को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, आलू निकासी हो, टाइम से निकासी हो जाए। और हमारे उत्तर प्रदेश में अभी तक कितने परसेंट लोगों की आलू निकासी हो चुकी होगी? लगभग 20% निकासी सभी कोल्डों से हो चुकी है। सभी कोल्डों से 20%। और हमने एक चीज़ देखी है जैसे सिरसागंज में हमारे यहाँ से कुछ आलू महंगा बिकता है जी, इसका क्या कारण है? वहाँ का आलू अच्छा होता है, 37-97 आलू होता है, वो खाने में अधिक आलू जाता है, वहाँ इस वजह से महंगा बिकता है जी। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश से आलू कौन कौन सी जगह पर ज़्यादातर बिक्री के लिए जाता है? ज़्यादातर पूर्वांचल में जाता है। और बंगाल में बिक्री के लिए जाता है? बंगाल में भी बिक्री के लिए जाता है। और जो हमारे चैनल के माध्यम से जो हमारे दर्शक हैं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के, बल्कि पूरे भारत के वीडियो देखते हैं दर्शक, उनको आप कोई संदेश देना चाहते हैं किसान और व्यापारियों को? उनका ये है जिनका 1000 पैकेट आलू पड़ा हुआ है, मैं उनसे ये है कि वो 100-200-300 पैकेट अपना रेट भाव सही चल रहा है तो थोड़ा थोड़ा अपना बेचते चलें। जो भी बिक्री आलू जैसे 1000 रुपये कट्टे से लेके 1400 रुपये कट्टे तक की आलू रेट चल रही है, किसानों को अपनी लागत जो लगाई है उसके हिसाब से रेट सही मिल रही है, सही रेट मिल रही है, और किसानों को अपना थोड़ा थोड़ा करके आलू बिक्री करते रहे। आगे जाके आलू का तो कोई अनुमान लगा ही नहीं सका अभी तक। जैसे आपको कितने वर्ष होंगे लोगों? पाँच वर्ष हो गई है। पाँच वर्ष हो गए।
आपको कभी जैसे सटीक अनुमान आपने लगा पाया आलू का क्या रेट रहेगा आगे? नहीं, वो सटीक कोई अनुमान नहीं है। आलू अभी बिक रहा 1400 रुपये का, कल पता लगा आलू मंदा हो जाए। ये सब्जी है, सब्जी कैसे पता लगेगा? आज भी कुछ सस्ता हुआ है? आज भी सस्ता हुआ है, 50 रुपये पैकेट सस्ता हुआ आलू। 50 रुपये पैकेट आज सस्ता हुआ है जी। और आपके कोल्ड स्टोरेज में जो ऐसा कोल्ड स्टोरेज है, इसमें कौन कौन से दिन आलू की बिक्री हुआ करती है? आलू की बिक्री मंगलवार और शनिवार को 2 दिन हुआ करती है। मंगलवार और शनिवार को। आपका हमारे चैनल इंडिया पोटैटो हिंदी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय जवान जय किसान। धन्यवाद।